हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप फेडरल बैंक में वीडियो KYC की मदद से अपना अकाउंट यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर पर ही ये KYC की मदद से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फुल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। मतलब कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कोई लिमिट नहीं होगी। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ATM कार्ड मिल जाती है, चेकबुक मिल जाता है और यहाँ पे पासबुक भी मिल जाती है। मतलब सारे कुछ यहाँ पर आपको फैसिलिटी दी जाती है इस अकाउंट को ओपन करने में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे स्क्रीन पर तो फेडरल बैंक का ये जो ऑफिशियल साइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो जैसे लिंक पे क्लिक तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको जो है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक आधार कार्ड से अकाउंट ओपन होगा और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अन्यथा आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा जब भी आपको KYC होगा। यहाँ पर आपको वाइट पेपर भी एक रखना पड़ेगा और ब्लैक पेन रखना पड़ेगा साइन के लिए। अब यहाँ पर जो आपको ऊपर में दिया गया उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे कैप्चा फिल करना है, दोनों बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो बॉक्स पर क्लिक कर दिए, दो स्क्वायर बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही जो है आपका जो है नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपके खुल के सामने आ जाएगा। जैसे मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो है एक OTP आ जाएगा, एक जो मोबाइल नंबर वहाँ ने आप डाला है वहाँ पर उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। आप जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिएगा तो कुछ आपको नया पेज खुल के आएगा कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे टर्म कंडीशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सारा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। KYC की मदद से आपका अकाउंट यहाँ पे हो जाता है KYC की मदद से। फिर आप आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर आप कंटिन्यू बटन पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते कुछ नया पेज आपको इस तरह खुल के आएगा सामने। अब आपको यहाँ पर जो अपना आधार नंबर डालना है और पैन कार्ड डालना है, याद रखिएगा आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद ही आपका अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर एंटर आधार नंबर मैं डाल दिया और एंटर पैन नंबर डाल दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद जो है मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से रजिस्टर है उस पर एक OTP होगा, वो OTP आपको फिल कर लेना है। फिर आपको नीचे कैप्चा फिल कर लेना है। अब OTP या कैप्चा जैसे फिल करेगा उसके बाद आप सबमिट करिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कैप्चा भी फिल कर ले रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट करिएगा तो कुछ आपका नया पेज जो है इस तरह से आपको खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पर जो है जो आप आधार कार्ड से जो सारा डिटेल था वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए अकाउंट डिटेल, मतलब आधार कार्ड से जो भी यहाँ पे डिटेल्स था, नाम आपका, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ शो करेगा। फिर नीचे में पैन डिटेल्स का आपका नाम वहाँ शो कर देगा, मतलब सारा कुछ यहाँ शो कर देगा। तो शो करने के बाद जो है आपको क्या करना, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में सारा कुछ भर लेना है, अपना email ID, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेटेरियल स्टेटस, सारा कुछ यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस आपका अगर आधार से सेम है तो वो सेम है, आधार एड्रेस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी अगर डालना है तो यहाँ पर नॉमिनी पे क्लिक कर दिया, उसका सारा कुछ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप यहाँ पे फिल करिएगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट आप काम करते हैं, मतलब अदर हैं या फिर स्टूडेंट कुछ भी है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर उसका यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पर नाम है। उसके बाद आपका मंथली इनकम कितना है, जैसे कि स्क्रीन के देख सकते हैं यहाँ पे मंथली इनकम आपके कितना, अप टू 10,000 है कि 25,000, 50,000 है, तो जो भी आपका है तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना, कितने साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे डाल देना है।
मतलब एम्प्लॉयमेंट, आप कितने साल से जॉब कर रहे हो वो वहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप वहाँ पर किए हुए हैं, तो सारा कुछ जो है आपको पर्सनल डिटेल्स जो है आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, मतलब जो यहाँ पे आपको मांगा गया एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में। अब आपको नीचे आना है, अब आपको अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। एसबी फीडबुक सेल्फी अकाउंट यहाँ पे खुद से शो कर रहा है, इसी अकाउंट में आपको ओपन होगा, वो वहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको बस अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ब्रांच आपका यहाँ पर है नज़दीक में वो ब्रांच आपको यहाँ पर शो कर लेना। अगर रेफरल कोड है तो रेफरल कोड डाल दीजिएगा, अन्यथा आप उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब कंटिन्यू बटन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए अब आपको ये पर्सनल डिटेल्स में आपका सारा कुछ ऊपर में शो कर रहा है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पैन, आधार नंबर। नीचे में आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा, स्कीम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी यहाँ पे ओपन है। बाय द चांस किसी कारणवश आप यहाँ पे नहीं अपना वीडियो केवाईसी कर पाते हैं, बैक चले जाते हैं, तो आपको फिर से जो है उसी तरह आपको ओपन करना जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फिर से आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 8 बजे से सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक ही आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी होगा। अगर किसी कारणवश आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, बैक चले जाते हो, तो फिर से आपको उसी तरह जैसे स्टार्ट में किया था अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों बॉक्स पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही जो है नया पेज आपका जो कुछ इस तरह के आपका खुल के सामने आ जाएगा। फिर से वही आपको मांगेगा OTP, आपको यहाँ पे अपना फिल कर लेना है, जो वहाँ पे मोबाइल नंबर डाले थे, जो शुरू में जैसे जैसे किए थे बस आपको उसी तरह करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर आपसे टर्म कंडीशन का कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आप जैसे कंटिन्यू करिएगा तो आपको यहाँ पर जो टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है आई एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और बॉक्स पर जो है टिक कर देना है। जैसे बॉक्स पर टिक करिएगा तो आप जो लास्ट में वहाँ पे छोड़े थे, जो आपको अकाउंट नंबर सारे डिटेल मिला था, सीधे उसी पेज पे आपको यहाँ पे ले जाएगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करें, देखिए सीधे आपको उसी पेज पे ले गया जहाँ पे आप लोग ने स्टॉप किया था। अब आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करना है, वो 8 बजे से सुबह 8 शाम तक होगा। चलिए मैं स्टार्ट वीडियो केवाईसी प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे यहाँ कुछ परमिशन मांगा जाएगा। गाइडली ग्रांट परमिशन, लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा आपका सही होना चाहिए। आप अपने पास पैन कार्ड रखिएगा, आधार कार्ड रखिएगा ओरिजिनल, और एक वाइट शीट रखिएगा और एक ब्लैक पेन रखिएगा साइन करने के लिए। अब यहाँ हो गया, अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहा है एजेंट से, 2 मिनट का टाइम है, लेकिन ये और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप इंतजार करिएगा। इंतजार करने के बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा और वीडियो को ऐसे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वीडियो केवाईसी हो रहा है। मैं यहाँ पे आवाज़ को, यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं था इसलिए मैं खुद ही यहाँ पे बोल रहा हूँ, आवाज़ उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड का भी कैप्चर हो गया, जिसके सक्सेसफुल यहाँ पर पैन कार्ड हो गया। अब यहाँ पर आपको फोटो भी यहाँ पर आप लोग का यहाँ पे खींचा जाएगा तो वो भी फोटो कैप्चर हो गया सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का भी यहाँ पे फोटो ले लिया जाएगा। अब सिग्नेचर का फोटो लेने के बाद जो है आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप फुल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, 24 घंटे का इंतजार करिएगा और 7 से 14 दिन के अंदर में आपके घर पर ATM कार्ड भी आ जाएगा। आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी शुरू में ही मिल गया था, आप वहाँ पे देखे थे। आप यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, अपना नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा ही पसंद हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।